तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फैक्टराइजेशन बताऊंगा, जो कॉमन फैक्टर लेके जो फैक्टराइजेशन किया जाता है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना बहुत सारे टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है, जिसमें सबसे सिंपल होता है कि कॉमन फैक्टर लेके हम लोग किस तरीके से फैक्टराइजेशन करें उसके बारे में होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। और क्लास में तो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों का फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता है, तो ये भी मेरा एक एफर्ट है। अगर आप लोग अच्छे से करेंगे पढ़ाई तो जितना मैंने एफर्ट दिया है रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो मान लीजिए ये है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको मुझे क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और इसको कॉमन फैक्टर लेके किस तरीके से फैक्टराइज किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी। देखो 15x+5, 15x+5, अगर 15x को देखोगे तो 15x को किस तरीके से लिखा जाता है, 15x को मैं लिख सकता हूँ, 15x को लिख सकता हूँ 3 × 5 × x, है ना। और 5 को क्या लिखा सकता है, 1 × 5। तो ये दोनों टर्म्स में मुझे एक 5 जो है कॉमन फैक्टर मिल रहा है, 5 यहाँ पे कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ये दोनों में से मैं 5 कॉमन फैक्टर निकाल लूंगा, ठीक है, 5 कॉमन फैक्टर। अच्छा, ये वाले में से अगर मैंने 5 कॉमन फैक्टर निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ बच रहा है 3x। देखो 15x में से निकाल लिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 3x+5, में से अगर 5 मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिया है तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1। तो ये हो गया इसका आंसर, बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3x² + 6x³, ठीक है। अभी 3x², अगर इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ, 3x² 3x² तो इसको 1 × 3 × x² को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² को लिख सकते हैं x × x, ठीक है। ये 1 नहीं भी देने से भी चलता है। उसके बाद 6x³, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3, ये हो गया 6, 3 × 2 = 6, और x³ को क्या लिख सकते हैं, x × x × x। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, ये इसमें ध्यान देना, इसमें से कॉमन मिल रहा है 3 3 3, एक x, एक और x, एक और x एंड एक और x, यानी कि कॉमन आ रहा है यहाँ से 3x², तो ये दोनों में से 3x² कॉमन ले लेते हैं। अब जब 3x² कॉमन ले लिया, देखो फर्स्ट वाले टर्म्स में से 3x टर्म में से 3x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 1+, अब सेकेंड वाले टर्म में से 3x² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है, 2x। तो ये जो रफ वर्क करके बता रहा हूँ, ये रफ वर्क एक्चुअली कहाँ पे होना चाहिए, ये क्लास 8 के स्टूडेंट के माइंड में हो जाना चाहिए, बट जिसको नहीं हो पा रहा है वो इस तरीके से रफ करके कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को ऐसे रफ करके प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद डेफिनेटली हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं कॉमन फैक्टर लेके। सपोज 15x²-20x³y, ये वाला क्वेश्चन में से कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। देखो पहले इसको 15x²y³, 15x²y³, अगर इसको फैक्टराइज करें, जब 15 को प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 3 × 5 आएगा, 1 लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। x² को x × x × x × x, ये हो गया, एंड y³ को हो गया y × y × y, उस तरीके से 20x³y। तो 20 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 20 हो जाएगा 2 × 10 = 20, 2 × 5 = 10, यानी कि 2 × 2 × 5, तो 2 × 2 × 5, x³ हो जाएगा x × x × x, और सिर्फ y है तो y रहेगा। नाउ इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 x x x x, फिर से यहाँ पे x x कॉमन आ रहा है, अल्टीमेटली y। तो ये दोनों में अगर मैंने देखा तो 5x 3 बार है, तो 5x³ कॉमन ले पा रहे हैं, तो 5x³ इसका कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट में से 5x³ कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, 3x y² ये देखो 3x y × y, यानी कि 3xy² 3xy² माइनस, अभी 20x³y, इसमें से ये जो सर्कल है कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे बच रहा है क्या, 2 2, मतलब 2 × 2 4, और यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है 4,
अब इसी चीज को मान लीजिए, ये रफ वर्क किए बिना कैसे करें, तो देखो पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों नंबर में से, ये 15 है और ये 20 है, मैक्सिमम कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकाल पा रहे हो, 5 ही निकाल पा रहे हैं, ठीक है। फिर वेरिएबल में देखेंगे तो 5 लिख लेंगे पहले, फिर वेरिएबल में देखेंगे यहाँ पे है एक्स टू द पावर 4 और एक्स क्यूब, तो एक्स टू द पावर 4 इसमें ज्यादा इसमें कम है, तो यानी कि मैक्सिमम एक्स क्यूब कॉमन आ पाएगा, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक वाई भी आएगा, और फिर वाई क्यूब एंड वाई, ये दोनों में वाई कॉमन आ पाएगा तो वाई कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा क्या, वो मल्टीप्लाई कर चेक करोगे, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना, तो 15 बन जाता है, 3 यानी कि 3 यहाँ पे रह गया, एक्स क्यूब कॉमन ले लिया तो एक्स टू द पावर 4 में से एक्स क्यूब कॉमन लिया तो बचेगा एक्स, फिर वाई, वाई क्यूब में से यहाँ पे वाई क्यूब है, वाई क्यूब में से वाई कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर बचेगा। अब इधर पे आ जाओ, 20 ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही बिठाना है, 20 20 में से 5 कॉमन ले लिया 4, एक्स क्यूब तो कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स क्यूब नहीं रहेगा, एंड वाई भी कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा 4, तो ये हो गया। इस तरीके से हम लोग कॉमन ले सकते हैं। अब मैं और भी क्वेश्चंस दिखाता हूँ, लेकिन ये अभी जो क्वेश्चंस दिखाऊंगा वो मैं आप लोगों को बिना इस तरह से रफ किए हुए कुछ क्वेश्चंस भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये सारा क्वेश्चंस मैं बुक से ही ले रहा हूँ, 4a² 4a² माइनस 8ab, देखना डायरेक्ट करते हैं इसको। अभी देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो ये पहले नंबर में से सोच लो हाईएस्ट कितना ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, क्योंकि 4 1 4 एंड 4 2 8, तो दोनों में 4 मैक्सिमम आ रहा है। वेरिएबल में देखो यहाँ पे a² है और यहाँ पे a है, तो a कॉमन ले सकते हैं, उसके बाद b इसमें है बट इसमें नहीं है, तो इसलिए कॉमन तो ये नहीं आ सकता। अब 4a² में से 4a कॉमन ले लिए तो सिर्फ a बचेगा, माइनस यहाँ पे 8 में से 4 कॉमन आ गया तो 2 रहेगा, और ए क्योंकि कॉमन आ चुका है तो ए रहेगा नहीं, सिर्फ बी रहेगा, तो इसका आंसर हो गया 4a-2b, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर एक पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है 3x^5y-27x^4y² + 12x³y³, ठीक है। अब सेम वही काम करना है, यहाँ पे क्या है, दो टर्म्स था, यहाँ पे तीन टर्म है, तो तीन टर्म है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को तो तीनों टर्म में से देखना, जैसे इसमें 3 है, 27 है और 12 है, तो मैक्सिमम 3 कॉमन लिया जा सकता है तीनों में से, तीनों को देखना है। अब देखो इसमें x^5 है, इसमें x^4 है, इसमें x³ है, अगर इस तरह से रफ करेंगे तो देखेंगे कि x³ यानी कि जो कम होता है वही एक्चुअली कॉमन आता है, क्योंकि x³ यहाँ पर भी है, यहाँ पे x^4 है मतलब x³ भी है, यहाँ पे x^5 है तो x³ भी है, उसी तरीके से y, y² एंड y³, तो y ये कॉमन आ जाएगा। अभी देखो 3 कॉमन आ गया, x^5 में से x³ आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x² रहने वाला है, y तो कॉमन आ चुका है, माइनस 27 में से 3 कॉमन आ गया, तो 3 9 से 27, तो 9 यहाँ पे रहेगा, x^4 में से x³ कॉमन आ चुका है मतलब 4 और यहाँ पे 3, तो सिर्फ एक एक्स मतलब x^1 रह जाएगा, y² में से y कॉमन आ चुका है तो y रहेगा, प्लस 12 में से 3 कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे रहेगा क्या 4, एंड x³ कॉमन आ चुका है तो x³ रहेगा नहीं यहाँ पे, y³ में से y कॉमन आ चुका है तो यहाँ पे रहेगा y², तो x³ - 9xy + 4y², ठीक है। और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, ये टेक्स्ट बुक में से ही ये क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैं, नंबर 6, x²a-b - y² a-b + z² a-b, तो ये क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है बट एक्चुअल में ये उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये तीनों टर्म को ध्यान से देखना है, ये तीनों टर्म को ध्यान से देखना है, इसको इसको और इसको, तो ये तीनों में एक चीज सेम मिलेगा तुम लोगों को, देखो a-b, राइट, a-b इस वाले टर्म में भी है, a-b इस वाले टर्म में भी है, और a-b इस वाले टर्म में भी है, तो हम कॉमन फैक्टर जब निकालते हैं, हम कॉमन फैक्टर निकालने का मतलब ही ये जो सेम है उसको पहले लिख लो, देखो सभी में वही किया है, तो a-b यहाँ पे तीनों में कॉमन है, तो a-b हम पहले लिख लिए। अब एक एक टर्म में नजर डालना है, देखो इस वाले टर्म में से, ये पूरा टर्म में से a-b कॉमन ले लिया है, तो a-b कॉमन लिया तो बच क्या रहा है, x² ही बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे x², उसके बाद माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस दे दो, फिर यहाँ पर भी देखो ध्यान से a-b कॉमन ले लिया तो y² बच रहा है,
फिर यहाँ पर प्लस साइन है, इसके बाद तो प्लस दे दिया। फिर इस वाले टर्म में देखो, इस वाले टर्म में ए माइनस बी कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है, जेड स्क्वायर। हो गया ये आंसर भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स प्लस वाई ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस वाई ए प्लस बी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई ए प्लस बी, एक्स माइनस वाई ए प्लस बी। फिर से देखो ध्यान से, ये प्लस है यहाँ पे, तो ये एक टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये एक टर्म हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी सेम दिख रहा है ना, ये दोनों में ए प्लस बी सेम दिख रहा है, ये ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी, ये सेम दिख रहा है ये दोनों में, तो यानी कि यही आएगा कॉमन। तो ए प्लस बी इसको ले लिया कॉमन, उसके बाद इसको कॉमन लेने के बाद ये यहाँ पे बचा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो लिख देते हैं एक्स प्लस वाई। फिर यहाँ पे है प्लस, प्लस दे देते हैं, यहाँ पर भी है बचा हुआ एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ओके, इज इक्वल टू ए प्लस बी एज इट इज। नाउ देखो यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई ये कट हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स टू एक्स, इज इक्वल टू टू एक्स ए प्लस बी। बहुत सिंपल है, ठीक है। एक माइनस लेके भी करते हैं। नाउ 8 9, नौवा क्वेश्चन ले लेते हैं। टू बी देन 2a प्लस बी माइनस 3c 2a प्लस बी। फिर से देखो, समझ गए होगे अभी यहाँ पे क्या सेम दिख रहा है, 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी को कॉमन ले लिए, यहाँ से 2a प्लस बी कॉमन ले लिया है, तो बचा क्या है, 2b बचा है सिर्फ, तो 2b लिख लेते हैं। उसके बाद है माइनस माइनस माइनस, यहाँ से 2a प्लस बी कॉमन ले लिया, बचा है 3c, तो 3c को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 12 ए बी सी। अच्छा ये जो नंबरिंग मैं दे रहा हूँ, ये नंबरिंग टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से मैच नहीं, मतलब मैं ये नंबरिंग मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूँ उस हिसाब से दे रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक में क्या नंबर है वो अलग भी हो सकता है, ठीक है। -6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 3 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है, ये ए है, ओके। अब तीनों में कंपेयर कर दो, यहाँ पे 12 है, 6 है, 3 है, यहाँ लिख लेते हैं 12 6 3। तो ये तीनों में अगर हाईएस्ट कॉमन निकालना होगा तो क्लास 8 के बच्चे आराम से बता देंगे सर 3 है, तो 3 लिख लो। उसके बाद ए, यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब, तो इसमें ए आ जाएगा, बी बी स्क्वायर एंड बी क्यूब, तो इसमें बी कॉमन आ जाएगा, सी सी स्क्वायर एंड सी क्यूब, ठीक है। जो डायरेक्ट नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये वाला मेथड है, मैं पहले बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ये मेथड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट अगर जो डायरेक्ट इस तरह से कॉमन नहीं ले पाते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। नाउ देखो 12 AB में ABC में से 3 ABC ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 4 बच रहा है, 3 4 12 और ABC तो हमने ले लिया है। -2 A² में से A कॉमन ले लिया, AB² में से B कॉमन ले लिया, B बचेगा, C² में से C कॉमन ले लिया, C बचेगा, प्लस 3 कॉमन ले लिया है, A² में से A कॉमन ले लिया, तो A² बचेगा, B क्यूब में से B चला गया तो B², C³ में से C कॉमन चला गया तो C², ये है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, 4x 3x -2y 3x -2y। सो ध्यान देना इसमें, 3x -2y सेम है, तो 3x -2y ले लो कॉमन। देखो 3x -2y इसमें भी है इसमें भी है, अब इस 3x -2y कॉमन ले लिया, ये इस चीज को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ बचा है 4x, तो ब्रैकेट देखे 4x, उसके बाद -2y हो गया। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं, a प्लस 2b 3a प्लस b -a प्लस b a प्लस 2b प्लस
ए प्लस टू बी होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन ध्यान देना, ये ए प्लस टू बी, ये जो ए प्लस टू बी है, ये ए प्लस टू बी यहाँ भी है ए प्लस टू बी, ठीक है, और यहाँ भी है ए प्लस टू बी स्क्वायर है, मतलब ये दो है ए प्लस टू बी। तो इसी को हम कॉमन लेंगे जो सेम है तीनों में, तो ए प्लस टू बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचे हुए हैं उनको, क्योंकि देखो पहले इससे पहले जितने भी थे ये 4x, ये सिंगल सिंगल थे, सिंगल मोनोमियल थे या फिर प्लस थे, लेकिन यहाँ पर क्या है बाइनोमियल है और बीच में माइनस भी है, तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ता है, ये तो माइनस में गलती हो जाता है। अभी इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा है 3a प्लस बी, यहाँ पे है माइनस ए प्लस बी बचा हुआ है, ये लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस। अब यहाँ पे देखो ए प्लस टू बी का स्क्वायर था, ए प्लस टू बी का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस टू बी का स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस टू बी इंटू ए प्लस टू बी, है ना। किसी भी चीज का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि टू स्क्वायर इसका मतलब क्या है टू इंटू टू, फाइव स्क्वायर का मतलब क्या है फाइव इंटू फाइव, उस तरह से ए प्लस बी, ए प्लस टू बी स्क्वायर का मतलब है ए प्लस टू बी इंटू ए प्लस टू बी। तो एक ए प्लस टू बी हमने कॉमन लिया हुआ है, एक अगला यहाँ पे एक और बचा हुआ है, तो ए प्लस टू बी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू ए प्लस टू बी, अभी हम ब्रैकेट से इसको 3a प्लस बी, देखो यहाँ पे माइनस है ना इसलिए मैं बोला था, अगर माइनस है तो केयरफुली करना है, माइनस इंटू प्लस माइनस ए, माइनस इंटू प्लस माइनस बी, सॉरी अभी प्लस क्लोज नहीं हुआ है, प्लस ओके प्लस ए, ये वाला ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी। अब यहाँ पे 3a माइनस, अच्छा माइनस ए प्लस ए तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यानी कि सिर्फ 3a रह गया, 3a प्लस बी माइनस बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा प्लस टू बी, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। और भी क्वेश्चन करते हैं 14, तो लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कर दिया है, कुछ एक छोड़ के, 6xy ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 8yz ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 10xz ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सबको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ले लिए कॉमन, उसके बाद 6xy यहाँ पे रह जा रहा है 6xy। अच्छा एक और चीज, ये तो नंबर में तो ध्यान ही नहीं दिया, वेट 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 वेट, सिर्फ यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे और भी चीजें कॉमन है, ध्यान से देखना होगा। देखो नंबर्स को अगर देखें तो यहाँ पे 6 है, 8 है, 10 है, तो 6 8 10 में से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ पे x है इसमें नहीं है कॉमन नहीं आएगा, y इसमें है इसमें है इसमें नहीं कॉमन है, तो नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे रहेगा, और इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी कॉमन आ रहा है, तो 2a² + b² ये हम कॉमन ले रहे हैं। अब क्या क्या बचता है ध्यान देना है, 6 में से 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3xy, क्वेश्चन में यहाँ पर है प्लस प्लस 8 में से 2 कॉमन ले लिया तो 4yz माइनस 10 में से 2 कॉमन ले लिया तो 5, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, और कोई स्टेप करने का इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, अब आपको करना है प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करना।